नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। आई होप कि मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जहाँ भी होंगे आप अच्छे होंगे। दोस्तों, बिहार में शिक्षक भर्ती निकल के आ गई है। दोस्तों, बहुत ही बम्पर भर्ती है, सुनहरा मौका है। दोस्तों, बिहार में एकाएक करके भर्ती निकल के आ रही है। दोस्तों, तो जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि बिहार नई शिक्षक भर्ती 2024 BPSC ट्रेड 3.0 यहाँ पे नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक टीचर की ज़रूरत है। यहाँ पे दोस्तों पद की बात करते हैं तो 87,000 है, लेकिन ऑनलाइन जैसे चालू होगा इसका मतलब पद बढ़ सकता है, 90+ हो सकता है। तो चलिए इस वीडियो में जानेंगे पूरा कैटेगरी, एज लिमिट, क्वालिफिकेशन, सारी चीज़ इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। तो जैसा कि यहां पर आप देख पा रहे हैं कि बिहार लोक सेवा के आयोग की तरफ से यहाँ पर टीचर की वैकेंसी निकाल दी गई है। दोस्तों, तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि किस वेबसाइट पर जाना है आपको, और यहाँ पर देख सकते हैं विज्ञापन संख्या भी यहाँ पर जारी कर दिया गया है। और यहाँ पर बता दिया गया है कि मतलब शिक्षा विभाग अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के कल्याण विभाग द्वारा के अंतर्गत अध्यापक पर नियुक्ति मतलब यहाँ पे भर्ती जारी कर दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं वेबसाइट यहाँ पे दे दिया गया है कि वेबसाइट, इस वेबसाइट पे जाकर अपना ऑनलाइन फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं कि पद की बात करते हैं तो शिक्षा विभाग के अंतर्गत यहाँ पे प्राथमिक विद्यालय में 1 से लेकर 5 पद तक, और उसके बाद मध्य विद्यालय में 6 से लेकर 8 तक, विद्यालय अध्यापक तथा माध्यमिक यहाँ पर 9 से 10 तक, उसके बाद विशेष विद्यालय अध्यापक 9 से 10 तक, यहाँ पर माध्यमिक विद्यालय 11 से 12 तक, मतलब यहाँ पर जिलावार रोस्टर समय की मतलब यहाँ प्राथमिक विकास उपलब्ध कराई गई है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कि मतलब इतना इतना क्लास में आपको 1 से लेकर 12 तक यहाँ पे बताया गया है कि मतलब वैकेंसी जारी कर दिया गया है। उसके बाद नीचे आएंगे तो देख सकते हैं नीचे की तरफ में यहाँ पर अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत के द्वारा कक्षा 1 से 5 तक अध्यापक, 6 से 10 तक अध्यापक एवं 11 से 12 के मतलब विद्यालय अध्यापक के लिए विशेषवार कोटिवार युक्त यहाँ विभाग उपलब्ध कराने के बाद वेबसाइट यहाँ पर जारी किया गया है। उसके बाद देख सकते हैं कि यहाँ पे शैक्षणिक योग्यता के, यहाँ पे देख सकते हैं शैक्षणिक योग्यता के बारे में कुछ बताया गया कि शिक्षक प्रपत्र यहाँ पे CTTE, उसके बाद STET के अपरेडिंग यहाँ पे कैंडिडेट में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। बताया गया है कि मतलब पेपर कब से कब होने वाला है और कितना कितना यहाँ पे वैकेंसी निकाला गया है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं बता दूँ कि वैकेंसी जो निकाला गया है, वैकेंसी यहाँ पे 87,000 निकाला गया है, लेकिन अगर ऑनलाइन आपको मतलब चालू होगा आवेदन तो यहाँ पर मैं बार बार बताता हूँ कि यहाँ 90,000+ में यहाँ पर मतलब इसका पद बढ़ भी सकता है। अब यहाँ पे देखते हैं शिक्षा विभाग के द्वारा यहाँ पे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत यहाँ पे बताया गया है कि मूल कोटि 1 से लेकर 5 तक जो मतलब शैक्षणिक योग्यता रहेगी, यहाँ पे न्यूनतम बताया गया 50% मतलब अनिवार्य होगा। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि मतलब माध्यमिक समक्ष यहाँ प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र मतलब डिप्लोमा किया होना चाहिए, उसमें नाम मतलब दिया हो। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि अथवा में मतलब यानी मतलब दिया, अगर वो विषय नहीं होगा तो यहाँ पर आपको बताया गया कि 45% मतलब आपको यहाँ प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र यहाँ पर जो राष्ट्रीय मतलब शिक्षा प्रदर्शित होगा उसको 2002 से यहाँ पे प्राप्त किया हो, मतलब 2002 से यहाँ पे क्लास मतलब वहाँ पे पास किया होगा वो मतलब डेट यहाँ पे भर सकता है। ऐसे ही सारी जानकारी यहाँ पे बताया गया है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि DLED मतलब यहाँ पे DLED की भी यहाँ पे जानकारी दे दिया गया है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि बी में बताया गया कि मतलब 6 से लेकर 8 तक जो टीचर की बहाली है उसमें यहाँ पे देख सकते हैं कि बताया गया कि कौन में बताया गया मतलब गणित एवं विज्ञान अध्यापक को आना चाहिए, और यहाँ पे सामाजिक विज्ञान विद्यालय पर आपको आना चाहिए, हिंदी भाषा भी आपको आना चाहिए। अब देख सकते हैं कि यहाँ पे शैक्षणिक योग्यता की देख सकते हैं कि न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता यहाँ पे बताया गया है कि स्नातक पास होना चाहिए, विद्यालय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मान्यता यहाँ पे डिग्री होनी चाहिए, प्रारंभिक शिक्षा द्वितीय डिप्लोमा भी किया जाना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे कम से कम 50% स्नातक में आपको आना चाहिए और BEd मतलब सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद अगर नहीं है तो यहाँ पे बताया गया कि न्यूनतम 45% अपना स्नातक में यहाँ पे शिक्षा शास्त्र में मतलब स्नातक BEd जो संबंधित समय समय पर 0 किए गए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता मापदंड तथा कार्यविधि यहाँ पे नियमों को प्राप्त किया हो, मतलब यहाँ पे आपको 45% आया होगा शिक्षा शास्त्र से आप हो BEd किए होंगे तो यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन को भर सकते हैं। चीज़ यहाँ पे जो दिया गया है उसको मैं बता देता हूँ। तो देख सकते हैं पूरा यहाँ पे आपको मतलब संदिग्ध विषय यहाँ पे 9 से 10 तक दिया गया है, मतलब बहुत ही बड़ी वैकेंसी निकल के आ रही है बिहार में, एकाएक करके वैकेंसी निकाली जरा पाएंगे। तो देख सकते हैं शिक्षा विभाग के द्वारा यहाँ पर जारी किया गया 11 से 12 विद्यालय अध्यापक नियुक्ति से मतलब जो 11 से यहाँ पे कैंडिडेट मतलब 11 से 12वीं के विद्यालय मतलब टीचर को वैकेंसी करेगा। यहाँ पर देख सकते हैं फिजिक्स मतलब उसको आना चाहिए, और यहाँ पे केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स और यहाँ पे मतलब जूलॉजी, बायोलॉजी, मैथ भी यहाँ पे दिया गया है।
अपना फार्म को अप्लाई कर सकता है। अब यहाँ पे चलेंगे नीचे की तरफ में, तो बहुत ही सारी दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं जानकारी दिया गया है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि चयन प्रक्रिया के बारे में बताया गया है, तो यहाँ चयन प्रक्रिया के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। यहाँ पर लिखित परीक्षा होगा, लिखित परीक्षा यहाँ पे आपको बताया गया है कि यहाँ पे देख सकते हैं भाषा दिया गया है, विषय जो सामान्य अध्ययन मतलब यहाँ पे होगा, और यहाँ पे भाग का होगा, और यहाँ प्रश्न पत्र 30 होगा, और यहाँ पे भाग टू में 120 अंक का होगा। टोटल यहाँ पे अवधि आपको दिया गया है 2.5 घंटा, कुल यहाँ पे 150 अंक यहाँ पे आपको दिया गया है। उसमें प्राथमिक विद्यालय 1 से लेकर 5 तक जो मतलब टीचर के अप्लाई को फॉर्म भरेंगे यहाँ पे, मतलब उसको मतलब कैसे कैसे यहाँ पे आपको बताया, मतलब यहाँ पे आपको एग्जाम देने के लिए क्या क्या आवश्यक होना चाहिए। तो यहाँ पे भाग 1 में भाषा अंग्रेजी और हिंदी, उर्दू, बंगला, मतलब भाषा व्यवहारिक ज्ञान, इस भाग में आपको कम से कम 30% मतलब लाना अनिवार्य होगा। उसके बाद नीचे देखते हैं तो यहाँ पे देख सकते भाग 2 में दिया गया कि प्राथमिक गणित, मानसिक समस्या, यहाँ पे परीक्षण, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल यहाँ पे शामिल होना चाहिए, और NCERT से यहाँ संबंधित क्वेश्चन भी पूछा जाएगा। उसके बाद भाषा यहाँ पे 2 में दिया गया है, यहाँ पे सामान्य अध्ययन, और यहाँ पे 150 का इसमें 30 मतलब दिया गया है, और 40 भी भाग 2 में, 3 में 80 दिया गया है। यहाँ पे 6 से लेकर 8 तक मतलब यहाँ पे टीचर की वैकेंसी के बारे में बताया गया है। अब यहाँ पे आएंगे हम, देखते हैं नीचे की तरफ, तो यहाँ पे 3 भाषा में दिया गया, इसमें 150 का टोटल अंक होगा, यहाँ पे 250 मतलब 2.5 घंटे का यहाँ पे समय रहेगा, और यहाँ पे मतलब जो 9 से 10 तक यहाँ पे टीचर की यहाँ पे अप्लाई करने का यहाँ पे मतलब पूछा जाएगा, और यहाँ पे एग्जाम कराया जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कि कोटे की बात करते हैं, जो मतलब जिसमें वैकेंसी का दिया गया था, यहाँ पे अनुरक्षित और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा और पिछड़ा वर्ग, और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए यहाँ पे देख सकते हैं अलग से पोस्ट निकाला गया है। देख सकते हैं ई वर्ग के लिए यहाँ पे 1 पोस्ट है, ST के लिए यहाँ पे 2 पोस्ट है, और यहाँ पे मतलब कोटी कोड है, और यहाँ पे देख सकते हैं ST के लिए 3 है, और EBC के लिए यहाँ पे 4 कोड है, और यहाँ पे BC के लिए 5, और EWS के लिए यहाँ पे कोड मतलब 6 रहने वाला है। अब देखते हैं कि यहाँ पे फोटो कापी, यहाँ पे पहचान पत्र लगने वाला है, हाल में खींचा हुआ 2 फोटो चाहिए, लिखित परीक्षा में यहाँ पर डाउनलोड किया आवेदन प्रति चाहिए, यहाँ पर लिखित परीक्षा के अंतर्गत एडमिट कार्ड के प्रति मतलब छाया प्रति यहाँ पे होना चाहिए। अब यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कि हम शुल्क की बात करते हैं, तो मतलब यहाँ पे जो फीस होने वाली है अभ्यर्थियों के, यहाँ पे सामान्य अभ्यर्थियों के लिए 750 रुपये यहाँ पे मतलब आपको देना होगा, और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए यहाँ पे 200 रुपये लगने वाला है, और सभी आरक्षित अनारक्षित मतलब वर्ग महिला उम्मीदवार के लिए 200 रुपये लगने वाला है, दिव्यांग के लिए 40% से अधिक यहाँ पे मतलब छूट दिया जाएगा, और यहाँ पे 200 इसका फीस लगने वाला है, अन्य उम्मीदवार के लिए यहाँ पे मतलब जो अलग राज्य से भरेगा उसका मतलब 750 रुपये का मतलब यहाँ पे भुगतान करना होगा। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि जो रजिस्ट्रेशन का मतलब समय होगा वो आपको यहाँ पे जारी कर दिया गया है, देख सकते हैं 10 तारीख से मतलब इसका रजिस्ट्रेशन आपको चालू हो जाएगा, फार्म को अप्लाई मतलब हो जाएगा, और 23 तारीख तक इसका मतलब फार्म को भरा जाएगा इसी महीने में, मतलब किसी का विलंब हो जाएगा तो उसको 25 तारीख तक यहाँ पर मतलब 2 दिन और बढ़ा दिया जाएगा। ऑनलाइन यहाँ पर प्रारंभ तिथि दिया गया है 10 तारीख को, और यहाँ पर मतलब अंतिम तिथि दिया गया है 25 तारीख को, यहाँ पर लास्ट मतलब इसका डेट मतलब निकाला गया है। अब उसके बाद यहाँ पर मतलब दिया गया है सारी चीज़ जानकारी, मतलब आपको कैसे रजिस्ट्रेशन करना है और कैसे यहाँ पे फॉर्म को फिलअप करना है। तो चलिए आप आज के लिए इतना ही आपको मैं बता दिया हूँ, आप जरूर समझ में आ गया होगा आपको, तो मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पहली बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, और साथ में दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा।